नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सब लोग देख रहे हैं आपका अपना टेक्निकल एक्सपेरिमेंट्स। तो गाइस, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो है फ़ोन के जरिए डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है, वो भी वायरलेस, और अब तो जो है हमारे फ़ोन भी वायरलेस चार्ज होने लगे हैं। तो गाइस, आप लोगों ने जो है कभी ये देखा है कि हमारी जो है इलेक्ट्रिसिटी वायरलेसली सप्लाई हो रही है? तो गाइस चलिए, आज हम आप लोगों को इसी प्रोजेक्ट को बनाकर दिखाने वाले हैं, जो कि आप लोगों को घर पर मिल जाने वाली चीज़ों से आप लोग जो है इसको बना सकते हैं। गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश, आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सपेरिमेंट्स, आओ कुछ नया करें। तो गाइस, आप लोगों को इसके लिए एक ट्रांजिस्टर की जरूरत पड़ेगी, जिसका स्क्रीन पर आप लोगों को नेम शो हो रहा होगा। और गाइस उसके बाद आप लोगों को एक एलईडी की जरूरत पड़ेगी, जिसके मैं आप लोगों को प्लस माइनस के पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। और गाइस उसके बाद जो है आप लोगों को एक रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, जो कि 220 ओम की है। तो गाइस आप लोगों को जो इसको लेना है, और गाइस उसके बाद जो है आप लोगों को एक 9 वोल्ट वाली बैटरी ले लेनी है, और गाइस उसका जो आप लोगों को एक कैप भी ले लेना है, जो आप लोगों को उस बैटरी के ऊपर लगाना है। और गाइस उसके बाद जो है आप लोगों को थोड़ी सी जो है वायर, कॉपर वायर ले लेनी है। लोग देख सकते हैं, मैंने जो इस सेलो टेप को यहाँ पर ले लिया है। आप लोग जो है इसी आकार की जो है किसी भी चीज को यहाँ पर ले सकते हैं। आप लोग जो है इस गोल डब्बे को भी यहाँ पर ले सकते हैं गाइस। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर जो इसकी ऊपर हम लोग जो है यहाँ पर एक जो है यहाँ पर एक इसका जो है पॉइंट है, उसके बाद जो है हम लोग जो है यहाँ पर 30 राउंड इसमें लगा देंगे। तो गाइस हम लोग जो है यहाँ पर 30 राउंड इसके गिनती के यहाँ पर लगा देते हैं। तो गाइस आप सब लोग देख सकते हैं, मैंने जो इसके ऊपर यहाँ पर 30 राउंड लगा लिए। तो गाइस मैं जो इन दोनों जो है वायर्स को यहाँ पर आपस में जो यहाँ पर जो इनको कनेक्ट कर देता हूँ, जिससे कि जो यहाँ पर जो है इधर उधर ना जाए। उसके बाद गाइस हम लोग जो है इसको यहाँ पर इसके ऊपर से निकाल लेंगे। तो गाइस हम लोग जो है इसको बड़ी आसानी से इसके ऊपर से निकाल लेते हैं। उसके बाद गाइस हम लोग जो है इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्टेबल कर देंगे, जहाँ से कि हमारे जो है यहाँ पर वायर्स फैले ना। तो गाइस आप सब लोग देख सकते हैं, मैंने जो इस वायर को यहाँ पर अच्छे से गोल कर लिया। उसके बाद जो है मैंने इसको इस जो है इसी कॉपर की वायर से इसके ऊपर जो है मैंने लपेट कर इसको जो है वायर इधर उधर ना फैले, इसके लिए मैंने जो इसके ऊपर लपेट दिया है। और गाइस आप सब लोग देख सकते हैं, मैंने जो है इसके 2 पॉइंट यहाँ पर निकाले। तो गाइस कुछ इस प्रकार ही आप लोगों को जो है अगला यहाँ पर एक ऐसे ही छल्ले टाइप का बनाना है, जिसमें आप लोगों को कुछ थोड़ा सा यूनिक करना है। तो गाइस मैं जो चलिए आप लोगों को उसको बता देता हूँ कि आप लोगों को जो है उस सर्कल को कैसे बनाना है। तो गाइस आप सब लोग देख सकते हैं, मैंने जो यहाँ पर उसी वायर को और जो है मैंने इस सेलो टेप को यहाँ पर ले लिया। तो गाइस आप लोग करना है कि जो आप लोगों को यहाँ पर इस जो है वायर के यहाँ पर 15 जो है यहाँ पर राउंड लगा देने हैं। तो गाइस मैं जो यहाँ पर 15 राउंड लगा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो गाइस इसके बाद जो आप लोग करना है कि जो आप लोगों को यहाँ पर एक इसी 15 के बाद यहाँ पर एक आप लोगों को ऐसी कुछ लूप निकाल लेनी है। और गाइस उसके बाद जो है आप लोगों को यहाँ पर कंटिन्यूसली जो आप लोगों को यहाँ पर फिर से 15 जो यहाँ पर राउंड लगा देने। तो गाइस मैं जो यहाँ पर 15 राउंड फिर से लगा देता हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो गाइस हमारे जो यहाँ पर 15 राउंड लग चुके हैं। तो गाइस अब जो है हम लोग जो है इसको कुछ उसी प्रकार से इसको हम लोग जो है कवर कर देंगे, और जो यहाँ पर हम लोग जो है इसके लूप को और जो है चारों तरफ से इस जो है बार्स को अलग कर देंगे। तो गाइस आप सब लोग देख सकते हैं, मैंने जो इसको भी यहाँ पर ऊपर से कवर कर लिया, और गाइस हमारी जो है यहाँ पर एक लूप निकल आई है, और जो है हमारे यहाँ पर 2 वायर्स हैं। तो गाइस आप लोगों को करना है कि जो आप लोगों को जो इसके ऊपर जो पॉलिश लगी रहती है, उसको जो आप लोगों को माचिस या लाइटर की मदद से इसकी जो है ऊपर की पॉलिश को जलाकर यहाँ से आप लोगों को हटा देना है इसके ऊपर से। हम लोग गाइस जो है इन दोनों जो है सर्कल्स में से जो है ऊपर की जो पॉलिश लगी रहती है इन लोग इनको हटा देते हैं। तो गाइस आप सब लोग देख सकते हैं, मैंने जो इस जो सिंपल वाले सर्कल को ले लिया, जिसमें हमारे जो है वायर्स के सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। तो गाइस हम लोग जो इसमें एलईडी को कनेक्ट करने वाले हैं। तो गाइस हम लोग जो है इसमें एलईडी के किसी भी जो है वायर को किसी में भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस हम लोग जो इस एलईडी को जो है यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस आप सब लोग देख सकते हैं, मैंने जो इस एलईडी को इन दोनों जो है पॉइंट्स में यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। गाइस उसके बाद जो है आप लोगों को इस जो है अगले सर्कल में जो आप लोगों को करना है कि जो आप लोगों को यहाँ पर जो एक लूप मिल जाएगी, और जो है हमारे यहाँ पर 2 वायर्स के पॉइंट मिल जाएंगे। तो गाइस उसके बाद जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर जो हमारा एक बटन होल्डर है, जिसमें हम लोग जो है यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करने वाले हैं। तो गाइस आप लोगों को जो इस ट्रांजिस्टर को यहाँ पर इस वाले वायर में जो आप लोगों को ब्लैक वाले इस वायर को कनेक्ट कर देना है। तो गाइस मैं जो इसमें ब्लैक वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। तो गाइस आप सब लोग देख सकते हैं, मैंने जो इसके जो है ट्रांजिस्टर के इस जो है फर्स्ट वाले लेग में मैंने जो इस वायर को यहाँ पर ब्लैक वायर को कनेक्ट कर लिया है। गाइस उसके बाद जो हमारी जो है यहाँ पर रेड वायर बची जाती है। तो गाइस हम लोग जो है इसके इस जो है आप लोगों ने जो है यहाँ पर 15 राउंड के बाद एक लूप निकाली थी, उसमें जो हम लोग जो है इसको कनेक्ट कर देंगे। गाइस उसके बाद जो है आप लोगों को करना है कि मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। तो गाइस आप सब लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा जो ट्रांजिस्टर का तीसरा लेग है, यहाँ पर हमने यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। तो गाइस आप लोगों को जो यहाँ पर किसी भी एक पॉइंट को जो है इसके ऊपर जो हमारे जो ट्रांजिस्टर की थर्ड लेग पर कनेक्ट कर देना है। और गाइस उसके बाद जो आप लोगों को एक जो है मैंने आप लोगों को बताया था शुरू में, एक जो है 220 ओम की एक रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, जिसको आप लोगों को जो है एक पॉइंट को यहाँ पर इस सर्कल में जो है कनेक्ट कर देना है।
तो गाइस आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर जो है जो ट्रांजिस्टर उसकी थर्ड जो है यहाँ पर जो है सेकंड वाली लैग जो यहाँ पर बची हुई है। गाइस हमारे जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस की एक जो है यहाँ पर लैग बची हुई है। तो गाइस हम लोग जो है इन दोनों को आपस में यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो गाइस आप सब लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसके कनेक्शन पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। गाइस आप सब लोग देख सकते हैं ये जो हमारे लूप के वायर्स हैं जो कि हमारे जो है इस बटन होल्डर से रेड वायर से कनेक्ट हैं। और गाइस यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हैं एक जो है हमारा यहाँ पर ट्रांजिस्टर है जिसकी लैग जो है हमारी जो है पहले जो है पहले जो ब्लैक वायर से कनेक्ट है। और गाइस दूसरा जो हमारा लैग है ये जो है ट्रांजिस्टर से कनेक्ट होकर जो हमारी इस जो है सर्कल में चला गया है जिसकी एक जो है वायर है। और गाइस यहाँ पर जो हमारा आखिरी जो लैग बचा हुआ है ट्रांजिस्टर का उसको जो हम लोगों ने सर्कल के आखिरी जो है वायर से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद गाइस आप सब लोग देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर दोनों जो हमारे यहाँ पर दोनों सर्कल्स बनकर रेडी हो गए हैं कॉपर वायर के। तो गाइस आप जो है आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि आप लोग जो है किस प्रकार से जो है वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को जो है यहाँ पर सप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस हम लोग जो है इस बैटरी को यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं इससे। तो गाइस आप सब लोग देख सकते हैं हमारी यहाँ पर जो ये जो है हमारे जैसा जो हमने जो है मैकेनिज्म यहाँ पर फिट किया था जैसे हम लोगों ने कनेक्शन किए थे वैसे ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर नहीं है। तो गाइस अब जो है मैं आप लोग को बता देता हूँ जो है जो यहाँ पर जो कॉपर वायर इसको हम लोग जो है अगर इसके ऊपर रखते हैं तो गाइस हमारा जो है बल्ब यहाँ पर ब्लिंक होने लगता है। तो गाइस अगर आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा है तो गाइस मैं जो यहाँ पर जो अपने जो रूम की लाइट्स को ऑफ करवा देता हूँ। तो गाइस आप सब लोग देख सकते हैं हमारी जो है यहाँ पर वायरलेसली यहाँ पर पावर सप्लाई हो रही है। तो गाइस आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग अगर जो इसको पास में लाते हैं तो गाइस हमारी जो यहाँ पर लाइट यहाँ पर जलने लगती है। और गाइस अगर हम लोग इसको यहाँ पर दूर लेकर जाते हैं तो गाइस हमारी जो है यहाँ पर LED बुझ जाती है। और गाइस अगर जो है हम इसको एक बार फिर से पास लेकर आते हैं तो गाइस हमारी जो LED यहाँ पर कितनी अच्छी ब्लिंक कर रही है। तो गाइस कुछ इस प्रकार जो आप लोग अपने घर पर जो चीज़ें मिलती आती हैं आप लोगों को घर पर तो गाइस आप लोग जो उन्हीं चीज़ों से आप लोग जो इसको घर पर बना सकते हैं। गाइस आप लोगों को जो मैंने जिन जिन चीज़ों को यहाँ पर यूज़ किया उस जो उस प्रोडक्ट की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस आप लोग जो है वहाँ से आप लोग जो है चीज़ों को परचेस कर सकते हैं। तो गाइस आप सब लोगों ने देखा कि हमारी जो है वहाँ पर वायरलेस पावर सप्लाई जो है हमारी कितनी बढ़िया काम कर रही थी। तो गाइस आप लोग जो है इस प्रोजेक्ट को घर पर भी बना सकते हैं। और गाइस हमने जो है सभी प्रोडक्ट्स की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। तो गाइस आप लोग जो है वहाँ से आप लोग जो इसको परचेस कर सकते हैं। गाइस अगर आप लोग को इससे कोई भी क्वेश्चन हो या अगर जो हमारा काम नहीं कर रहा हो तो गाइस आप लोग जो है कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो है हमारी वीडियो को लाइक कर लेना। और गाइस आप लोग जो हमारे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।